हाय मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज फिर आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेकर के आई हूँ। आज का वीडियो बहुत ही हाई रिक्वेस्टी वीडियो है। आप सभी के मुझे बहुत सारे कमेंट मिले कि दी जल्दी से कुछ ऐसी रेमेडी बता दो, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं और हमारी स्किन की प्रॉब्लम भी अब शुरू होगी। और हम क्या करें, क्योंकि हमारी स्किन का तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। जी हाँ, होता है, जिनकी स्किन ऑयली होती है ना, उन्हें बहुत ज़्यादा अपनी स्किन का केयर करना होता है गर्मियों में। मेरी स्किन भी ऑयली है और जब हम किचन में जाते हैं, खाना बनाते हैं, तो स्टीम की वजह से, भाप की वजह से हमारी स्किन पे और भी ज़्यादा चिपचिपापन आता है, एक्स्ट्रा ऑयल आता है, जिससे हमारा कलर तो डाउन होता ही है, साथ ही मुहासे निकल आते हैं, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। तो कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी स्किन की जो रेडनेस है वो चली जाए और हमारी स्किन पे एक चमक भी बनी रहे, हमारी स्किन पे एक्स्ट्रा ऑयल भी ना आए, मुहासे, पिंपल्स, दाग धब्बे भी चले जाएं। तो आज की वीडियो में आप सभी के लिए एक ऐसी रेमेडी लाई हूँ जो हम खीरे से बनाएंगे। आप सभी को पता है खीरा हमारी स्किन के लिए वरदान है, हमारी स्किन पे एक टॉनिक की तरह काम करता है। समर के लिए खीरा आपकी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल करता है। अगर आप इस तरीके से खीरे की रेमेडी अपनी स्किन पे लगा रहे हो तो आपकी स्किन पे एक्स्ट्रा ऑयल भी नहीं आएगा, आपकी स्किन पे चिपचिपापन भी नहीं रहेगा, बल्कि आपकी स्किन और भी ज़्यादा ग्लो करेगी, टाइट रहेगी, ब्राइट रहेगी। आप समर में दिन में धूप में जा रहे हो और आपकी स्किन पे रेडनेस हो गई है, आपकी स्किन रेड हो गई है, चकत्ते पड़ गए हैं, तो आने के बाद आप इस रेमेडी को लगाइएगा, आपकी स्किन की ये प्रॉब्लम भी दूर होगी। तो चलिए फटाफट चलते हैं हम किचन में और इस रेमेडी को बनाते हैं। इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप सभी को मेरे वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलता रहे। और आप सभी को कुछ भी जानकारी लेनी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए बबीता राज के नाम से। तो चलिए फटाफट चलते हैं किचन में और बना लेते हैं रेमेडी जो हमारे स्किन को बेदाग, खूबसूरत, चमकदार बनाएगी। फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक मीडियम साइज का खीरा लेना है। जी हाँ, खीरा समर में हमारे स्किन से हर तरह की प्रॉब्लम को दूर करता है। खीरा हमारे स्किन पे, त्वचा पे जो टैनिंग हो जाती है समर में, हमारे स्किन पे जो रेडनेस हो जाती है, स्किन रेड हो जाती है, चकत्ते हो जाते हैं, उसे दूर करता है। और खीरा सनस्क्रीन का भी काम करता है हमारी स्किन पे। और फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैं बताऊँगी उस तरीके से आप खीरा समर में लगा रहे हो तो आपकी ड्राइनेस, रेडनेस, चकत्ते और आंखों के नीचे कालेपन, ये सारी प्रॉब्लम दूर करके आपकी स्किन को ये टाइट भी कर देगा, ग्लोइंग भी बनाएगा। तो आप सभी को पता है खीरे में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है, एंटी एजिंग गुड़ भी पाया जाता है जो हमारी स्किन को टाइट करता है। तो आपको खीरे का पानी निकालना है। तो मैंने एक कप कुकुम्बर जूस निकाल लिया, ये देखिए। और जिस तरीके से आपको ईजी लगे आप कुकुम्बर जूस निकाल लीजिएगा। और इस कुकुम्बर जूस में कुछ ऐसी चीज़ें मिक्स करेंगे और लगाने का तरीका भी बताएंगे। अगर आप ये टीनेजर में है, आप 13, 14, 15 साल के हो, तो आपके लिए रेमेडी रामबाण है। जी हाँ, क्योंकि ऑयली स्किन पे मुहासे, पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं समर में, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। इसके बाद दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, वो ले रही हूँ फ्रेश एलोवेरा जेल लेना है आपको। तो मैंने यहाँ एक प्लांट लिया है, इस तरीके से आपको लेना है और फ्रेश लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पर आपको मार्केट का जेल नहीं लेना है। जी हाँ, और यहाँ पर देखिए मैंने धुल के साफ़ कर लिया है और इसका जेल निकाल लेना है आपको। निकालने का तरीका तो आपको पता ही होगा। मैं इसे क्या करूँगी, ऊपर वाली स्किन निकाल के और इसे भी मैं क्रश कर लूँगी, या तो आप चाहो तो मिक्सर में डाल के ग्राइंड करके इसका जूस निकाल सकते हो। तो चलिए, मैंने इसका जूस पहले से निकाल के रख लिया है। और आप सभी जानते हो एलोवेरा जेल हर टाइप के स्किन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और समर के लिए तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हमारी स्किन पर रेडनेस हो जाती है, धूप से स्किन पर जलन सी होती है। अगर ये प्रॉब्लम है तो ये रेमेडी वाकई बहुत कमाल करने वाली है, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए एलोवेरा जेल भी हमने निकाल लिया है, इस तरीके से आपको भी निकाल लेना है। अब चलिए रेमेडी हम फटाफट बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक बाउल में मैं कम से कम 6 बड़े चम्मच कुकुम्बर जूस लूँगी। कुकुम्बर पानी, खीरे का पानी, आप जो भी कहते हो वो आप लोगे, ठीक है। और आपने जो फ्रेश एलोवेरा जेल निकाला है वो लोगे लगभग 3 बड़े चम्मच, 4 भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये होम रेमेडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं करती है। बट अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप इस रेमेडी का यूज ना कीजिएगा। यहाँ देखिए मैंने एलोवेरा जेल भी डाल दिया। इन दोनों को डाल के आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। मिक्स होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बट ये अच्छे से मिक्स हो जाता है, ठीक है। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐसी ऐड करेंगे जो हमारी स्किन पे
बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम जो ऐड करेंगे वो लेंगे रोज वाटर, और ये 2 बड़े चम्मच आपको लेने हैं। जी हाँ, समर के लिए गर्मियों में रोज वाटर हमारी स्किन को फ्रेश रखता है, साथ ही हमारी स्किन पे जो प्रॉब्लम होती है उसे दूर करने में हेल्प करता है, और हमारे चेहरे पे गुलाबी निखार भी लाता है। 3 सारी चीज़ों को डाल के आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे जो ऐड करने जा रहे हैं वो लेंगे हम 1 स्पून लेमन जूस। जी हाँ, अगर आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन को नींबू सूट करता है, तो आपको यहाँ पे 1 स्पून लेमन जूस लेना ही लेना है। नींबू हमारी स्किन पे जो दाग धब्बे हैं उसे दूर करेगा, हमारी स्किन को क्लीन करेगा और साथ ही साथ आपके एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करेगा। और अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम जो ऐड करेंगे वो लेंगे बादाम रोगन ऑयल। जी हाँ, आलमंड ऑयल आपको लेना है। आपकी स्किन ड्राई है तो इस ऑयल में विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा होता है, जो हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। तो ये आपको 1/2 स्पून लेना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा, आपकी स्किन ड्राई है तो ये तो डालना बनता ही है। आप चाहो तो यहाँ कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हो। समर के लिए कोकोनट ऑयल भी बहुत अच्छा होता है। आलमंड ऑयल मैंने इसलिए मिक्स किया है क्योंकि इसमें विटामिन ई है, और हमें विटामिन ई कैप्सूल का यूज नहीं कर रही हूँ, इस वजह से सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, आइस क्यूब कंटेनर लेना है और इस कंटेनर में आपको इस रेमेडी को अच्छे से सेट कर देना है और फ्रीजर में रख देना है कम से कम 8 घंटे के लिए। और 8 घंटे के बाद, और जब भी जी चाहे, जब भी आप धूप से आ रहे हो तो तुरंत नहीं, आपको फेस वॉश करने के 15-20 मिनट के बाद आपको इस आइस क्यूब से पूरे फेस पे मसाज करना है। इससे क्या होगी, जो आपकी रेडनेस है, आपकी स्किन पे जलन है, धूप से आपकी स्किन टैन हो चुकी है, वो प्रॉब्लम दूर होगी। साथ ही आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लाइट और ब्राइट होने वाली है, चमकदार, बेदाग, खूबसूरत हो जाती है। और रात में भी आपको इस रेमेडी को अपने चेहरे पे लगाना है। रात में सोने के पहले 1 आइस क्यूब सिर्फ आपको लेनी है। किस तरीके से, अभी आगे मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए 8 घंटे के बाद हमारी जो आइस क्यूब है बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं। तो इसमें से सिर्फ आपको 1 पीस ही निकालनी है, ये नहीं कि आप एक बार में सारे यूज करो, एक बार में 1 पीस आपको लेनी है। ये देखिए बहुत अच्छे से। तो चलिए मैं इसमें से 1 पीस निकालती हूँ, फिर अपने चेहरे पे लगा के दिखाती हूँ कि चेहरे पे तुरंत ही एक ग्लो आता है, स्किन टाइट होती है, साथ ही ओपन स्पॉट्स की प्रॉब्लम आपको है तो ये प्रॉब्लम भी ये आइस क्यूब दूर कर देती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने फेस वॉश किया है और मैं डायरेक्ट इस रेमेडी को अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपको रसेस हो जाते हैं तो आप एक कॉटन का कपड़ा लोगे, उसके अंदर डाल के आपको करना है, ठीक है। और मुझे लगता है कि हम कपड़े के अंदर, मतलब कॉटन के कपड़े के अंदर इसे डाल के करेंगे तो जो हमारी रेमेडी है ना वो मेरी स्किन के अंदर तक अच्छे से नहीं जा पाती है, इसलिए मैं अक्सर जो भी आइस क्यूब इस तरीके का यूज़ करती हूँ कोई रेमेडी बना करके, तो फिर वो मैं इसी तरीके से डायरेक्ट अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे। बस कॉटन से उसे हल्का सा पकड़ लेती हूँ कि हाथों में ठंडा पड़ना है, हाथ हमारे बहुत ज़्यादा कूल हो जाते हैं तो काम करना बंद हो कर देते हैं थोड़े से, तो इसी तरीके से मैं अप्लाई करती हूँ। तो आप जिस तरीके से आइस क्यूब अपने फेस अप्लाई करते हो उस तरीके से कीजिएगा। डायरेक्ट आप नहीं करते हो तो आप डायरेक्ट ना कीजिएगा, क्योंकि आपको रसेस हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। और जब आपको यह आइस क्यूब ख़त्म हो जाएगा तो 10 मिनट के लिए अपने फेस पे लगा के छोड़ दीजिएगा। आप चाहो तो पूरी रात भी लगा के छोड़ सकते हो, बट आप चाहो तो क्लीन कर लेना नॉर्मल पानी से, और कोई नाइट क्रीम, नाइट सीरम आप लगा सकते हो, ठीक है। चलती हूँ, मिलती हूँ नए वीडियो के साथ।